जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। आज मैं आपको इस वीडियो में नवरात्रि की सरल से सरल पूजा विधि बताऊंगी। नवरात्रि साल में दो बार आते हैं, एक आते हैं चैत्र माह में, एक आते हैं अश्विन माह में। चैत्र माह में पड़ने वाले नवरात्रों को चैत्र नवरात्रि और अश्विन माह में पड़ने वाले नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। पूजा विधि दोनों के सेम होती है। आपको सबसे पहले एक चौकी बिछा देनी है और उसके पर एक लाल कपड़ा बिछा दे। और आप चाहो तो अपने मंदिर में भी माता की चौकी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके मंदिर में स्पेस कम है तो आप अलग से माता रानी की चौकी लगाएं। और जहां पर भी आप चौकी लगाएं वह जगह थोड़ा साफ सुथरी होनी चाहिए। गंगा जल से उसमें थोड़ा छींटे मार दें और साफ पोछा लगा दें, और उसके बाद वहां पर अच्छे से चौकी बिछाएं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चावल रख दिए हैं, और चावल से हम अष्टदल कमल बनाएंगे और उसके ऊपर हम अपने कलश को स्थापित करेंगे। और एक बार माता रानी को स्थापित करने के बाद चौकी में, उसके बाद उनको 9 दिन तक हिलाएंगे नहीं। और यहाँ पर मैंने एक कलश ले लिया है। कलश में स्वास्तिक जरूर बना दें, क्योंकि स्वास्तिक से ही हर काम शुभ होता है। और यहाँ पर मैंने कलश को यहाँ पर अष्टदल कमल के ऊपर रख दिया है, और इसको पूरा पानी से भर दें। साफ स्वच्छ पानी से आप इसको भर दें, और उसमें एक सिक्का, हल्दी, सुपारी, अक्षत, चंदन, जो भी आपके पास 5 चीजें हैं वो चीजें आप इसमें डाल दें। उसके बाद इसमें आम के पल्लव या फिर आप अशोक के पत्ते भी डाल सकते हैं। आप 5, 7, 11 जितने भी आपके पास हैं आप उतने पत्ते इस कलश में डाल दें। अब इसको 9 दिन तक आपको छेड़ना नहीं होता है। और इसके ऊपर हम एक नारियल रख देंगे। नारियल हमेशा पानी वाला होना चाहिए और ऐसी जटाओं वाला होना चाहिए। और उसके बाद हम नारियल को एक लाल चुनरी से लपेट देंगे और इसको कलावे की सहायता से ऐसे बांध देंगे और उसको कलश के ऊपर रख देंगे। और फिर उसके बाद हम एक पान का पत्ता लेंगे और पान के पत्ते में हम गणेश जी को स्थापित करेंगे। आप यहाँ पर चावलों का आसन देकर भी गणेश जी को स्थापित कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम चौकी में थोड़ा सा फूल बिछा के अपनी माता रानी को स्थापित करेंगे। अगर आपके पास मूर्ति है तो आप यहाँ पर मूर्ति स्थापित कीजिए। अगर आपके पास मूर्ति नहीं है तो आप फोटो रख के भी माता रानी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्रि की जो पूजा विधि है वह बहुत विस्तृत है, उसमें नवग्रह बनाए जाते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से नवरात्रों में माता रानी की चौकी स्थापित करना, पूजा विधि करना सिखा रही हूँ। तो इस आप सिंपल तरीके से सबसे पहले आप एक प्लेट ले लें, उसमें आप स्वास्तिक जरूर बनाएं। और स्वास्तिक आप रोली से भी बना सकते हैं, चंदन से भी बना सकते हैं। और अब इसके ऊपर हमने जो ज्वारे बोए हैं उनकी स्थापना कर देंगे। यहाँ पर मैंने ज्वारे जौ से बोए हैं, कितने लोग गेहूं से भी बोते हैं। अब हम इनको यहाँ पर स्थापित कर देंगे। कहा जाता है कि इसमें माता रानी का साक्षात वास होता है। यहाँ पर हमें सभी चीजों को स्थापित करने के बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे और माता रानी का नाम लेके जयकारा माता रानी का बोल के यहाँ पर दीप को प्रज्वलित करेंगे। और सबसे पहले थोड़ा थोड़ा सभी चीजों पे हम छींटे मार देंगे। और यहाँ पर हमने गणेश जी को कलावा अर्पण करेंगे। और यहाँ पर उसके बाद हम माता रानी के लिए जो भी चुनरी ला रखे, जो भी आप माता रानी के लिए श्रृंगार का सामान ला रखे, आप उसको माता रानी को अर्पण करें। और उसके बाद आप 9 दिनों में कभी भी माता रानी को अर्पण कर सकते हैं। और उसके बाद लास्ट दिन में कुछ सामान अपने पास रखिए और कुछ सामान दूसरे लोगों को बांटना चाहिए। और यहाँ पर हम सभी को चंदन, अक्षत, रोली अर्पण करेंगे। और उसके बाद माता रानी के लिए जो आप लाल पुष्प ला रखे हैं, आप पहले गणपति जी को लाल पुष्प और दुर्वा अर्पण करें, और उसके बाद माता रानी को भी लाल पुष्प अर्पण करें। हो सके तो आप भी लाल ही वस्त्र पहने और माता रानी को भी लाल वस्त्र और लाल फूल ही अर्पण करें, क्योंकि माता रानी का फेवरेट कलर लाल है। और उसके बाद यहाँ पर हम कलश में भी एक माला
अर्पण कर देंगे और यहाँ पर हम गणेश जी को मिठाई के लिए भोग अर्पण कर देंगे और यहाँ पर माता रानी को बतासे आप अर्पण जरूर करें, क्योंकि माता रानी को बतासे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हमने माता रानी के लिए मिठाई भी रख दी है और आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भी, जो भी आप माता रानी को लगाओ, प्यार से लगाओ, भाव के साथ लगाओ, अर्पण करो। और यहाँ पर एक लोटा जल जरूर रखें और आप फल फ्रूट भी माता रानी को जरूर अर्पण करें। यहाँ पर मेरे पास थे नहीं तो यहाँ पर मैंने वो चीज़ स्किप कर रही है। आप जरूर माता रानी को फल फ्रूट भी जरूर अर्पित करें। और यहाँ पर हमने माता रानी के लिए यहाँ पर माता रानी को 5 लौंग, इलायची, सुपारी अर्पित कर देंगे। और यहाँ पर हम माता रानी को दक्षिणा जरूर अर्पित करें, अपनी श्रद्धा के अनुसार जितना भी आपके पास है जरूर अर्पित करना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा एक होम यज्ञ जरूर करना चाहिए। यहाँ पर गाय के गोबर के ओपले से हम यज्ञ करेंगे और इसमें 9 आहुतियाँ देंगे। और अगर आपके पास गोबर का ओपला नहीं हो तो आप कपूर से भी कर सकते हैं यज्ञ, या फिर आप नारियल से भी यज्ञ कर सकते हैं। लेकिन भले ही आप छोटा सा यज्ञ करें, लेकिन करना जरूर चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि यज्ञ में दी गई आहुतियों से माता तुरंत ही उसको स्वीकार करती है। और जब भी आप यज्ञ में कपूर, लौंग जो भी डालते हैं, आप लौंग जो भी डालेंगे वो हमेशा फूल वाली होनी चाहिए। नवरात्रों में हमें दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और अब यहाँ पर हम प्रेम पूर्वक माता रानी की आरती करेंगे। आरती में परिवार के सभी सदस्यों को शामिल जरूर करना चाहिए। अब यहाँ पर हम आरती स्टार्ट करते हैं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। आरती होने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए कि हे माता, आपकी पूजा में हमसे जो भी गलतियां हो गई हो, हमें अपना बालक समझ के माफ कर देना। ये हमें क्षमा याचना हमेशा करनी चाहिए। और उसके बाद परिवार के सभी सदस्यों को आरती जरूर देना चाहिए। आपको नवरात्रि की पूजा विधि कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।